हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू में बहुत ही बार पूछा जाता है। चाहे वो आप पीएचडी एंट्रेंस में जाओ या फिर किसी भी कॉलेज में एज अ लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जाओ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक सीरीज है, 1+z+z² + z³³ + 1 = 1/(1 - z)। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सीरीज जो है वो जीपी सीरीज है। जानते हैं जीपी के साथ ये होता है। तो ये क्या था, एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में और बोला गया एक स्टूडेंट से, आप इसमें क्या करो, जेड के जगह पे 2 पुट करो। अब देखो, अब पुट करने के बाद क्या होगा, 1+2+4+8+(this, this, this) = इधर पुट करना है तो क्या आएगा, इधर तो -1 आ जाएगा। तो विच इज एब्सर्ड, वो तो गलत है। विच इज एब्सर्ड, तो ये कैसे हुआ, आखिर ये इस इक्वेशन में गलती कहाँ हुआ, मिस्टेक कहाँ हुआ, उनसे ये पूछा गया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं बता पाए, इसका आंसर नहीं दे पाए। इवन ये क्वेश्चन जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने भी इस क्वेश्चन में गलती की है। उन्होंने भी ये गलती की और वो उन्हें पता था, वो बोल रहे थे कि ये गलती किए हैं, मुझे पता है ये गलत है, बट कहाँ है, वो सरप्राइज थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मिस्टेक हुआ कहाँ है। ये तो पता है मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ है। और इस क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया कि आखिर इसमें मिस्टेक कहाँ है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि इसमें कहाँ मिस्टेक है, ऐसा पता चला है कि नहीं, देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं, आपने देखा ही होगा। तो आंसर क्या है कि जो क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट्स लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग तो इसका आंसर दे नहीं पाए, लेकिन उसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो हम यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 पुट किए हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीरीज लिखा हुआ है, सीरीज का सम, वो सेटिस्फाइड है। इसका क्या कंडीशन, इसका एक कंडीशन है, अगर आप पढ़ोगे, विच इज वैलिड ओनली फॉर मॉड जेड लेस देन 1। मतलब ये जो सीरीज सम फंक्शन जो लिखा हुआ आपके सामने, ये तभी वैलिड है जब मॉड जेड का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो ये इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे जो जेड का वैल्यू हम 2 पुट किए हैं, वो मेरा, मुझे अलाउ ही नहीं है, वो परमिशन ही नहीं है कि इसमें रख सके हम। इसका वैल्यू डेफिनेटली गलत आएगा, कुछ अलग अलग कुछ डेफिनेट भी आ सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसका वैल्यू 1 से कम ले, तो इसका मॉडुलस होना चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1, तब ये जो सीरीज सेटिस्फाइड है। तो यही गलती रामानुजन जो मैथमेटिशियन है हमारे, उन्होंने भी यही गलती की थी, फिर उन्हें ये बाद में पता चला। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया है। तो इसका आंसर यही होगा कि इसमें हम जेड का वैल्यू 2 नहीं पुट कर सकते हैं, इसमें वही जेड पुट कर सकते हैं जिसका मॉडुलस 1 से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये भी इंटरव्यू का बहुत ही फेमस एंड फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो केवल इस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते, इसको पढ़ते ही नहीं है। ये रीज़न है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो पूरा पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल यहीं तक पढ़ेंगे, तो इसी वजह से उनका बार बार ये क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये आज के बाद क्लियर हो गया होगा, आप ये गलती नहीं, कभी नहीं करोगे जो रामानुजन ने किए थे। ये जो हमारा मिस्टेक है, आज के बाद ये मिस्टेक आप ध्यान दोगे कि आप जब भी क्वेश्चन के बारे में बोलो, तब ये पूरा यहाँ तक बोलो, ताकि जो मेरा मिस्टेक हुआ है वो ना हो। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है।